गोरखाओं के लिए एक बहुत ही गजब की फीलिंग आ रही है। नेपाली अब सोच रहे होंगे कि मैं फिर वही मुद्दा रिपीट करूंगा कि गोरखा एंटर नहीं हो रहे हैं, गोरखाओं की यादें आ रही। बिल्कुल नहीं। अब प्राउड की बात इसलिए क्योंकि बॉलीवुड भी इनसे वंचित नहीं है। और अभी एक वीडियो जो सामने आया है जिसके अंदर नेपाल के गोरखाओं की खूखरी को रिप्रेजेंट किया गया है एक मूवी के सॉन्ग के अंदर, उससे भी ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राउड करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि ना केवल एक्टर्स बल्कि गोरखा रेजिमेंट के, या फिर ऐसे कहें कि नेपाली गोरखाओं की एक टुकड़ी जिसमें डांस करती हुई नजर आती है। नमस्कार, मैं PM DNA सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीटली चर्चा करेंगे इस मैटर के बारे में, कौन सी मूवी है, किसके ऊपर लिखी गई है, कौन सा ये गाना है, गोरखाली डांस कितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे, और आपको सुनकर ही मजा आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये गाने का जिक्र करूं या फिर इस गाने की इस मंच का जिक्र करूं, इससे पहले मैं जिक्र करूं कि कौन सी मूवी है। सेम बहादुर पर एक मूवी बन रही है जो कि 2023 की मूवी है और उसका गाना रिलीज हुआ है। थोड़ा सा जान लेते हैं सेम बहादुर की बायोग्राफी के बारे में। भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेना अधिकारियों में से एक और यहाँ पे मेल्ड मार्स सेम मानेकशॉ पद के जीवन पर आधारित है, जो कि अभी यहाँ पे पॉपुलर हैं सेम बहादुर के नाम से। सेम बहादुर के नाम से इतने ज़्यादा लोकप्रिय हैं कि उन्हें सब लोग जानते हैं। 4 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय सेना के अंदर अपनी सेवा दी है। कुल 5 युद्धों में बहादुर ने यहाँ पे बहादुरी से लड़ाई भी लड़ी है। द्वितीय विश्व युद्ध 1942, भारत पाकिस्तान विभाजन युद्ध 1947, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971। अपने कार्यालय के दौरान अग्नि यहाँ पे अनगिनत बार मौत को धोखा देने वाले और जाने जाने वाले कि ये कभी भी किसी भी वक्त मौत को धोखा दे सकते हैं। पद्म विभूषण से विभाजित वीरता के लिए मिलिट्री कोर्स पदक से विभाजित सब कुछ यहाँ पे न्यौछावर कर बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले सेम बहादुर है। और वह भारतीय सेना के फील्ड में मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले सेना अधिकारी भी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी जीवनी तो बहुत ज्यादा खास है, और उन्हीं की जीवनी के ऊपर ये यहाँ पे जो फिल्म है वो बनाई जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं वो खुकरी समातीर चर्चित नेपाली गीत के अंदर नाचते हुए दिखाई देते हैं बॉलीवुड के अभिनेता विक्की कौशल। बिकॉज विक्की कौशल इस फिल्म के अंदर भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे सेम बहादुर की। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल आगामी फिल्म सेम बहादुर के लिए प्रसिद्ध नेपाली देशभक्ति गीत यो नेपाली सिर उंचली, यानी कि ये सॉन्ग का टाइटल है, और उसके ऊपर डांस कर रहे हैं। लखनऊ में फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान उन्होंने गोरखा रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों के साथ गाने का डांस किया है। उन्होंने गाने के यहाँ पे फिल्मांक को दौरान डांस करते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, और यह भी देखा गया है कि उन्होंने गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों के साथ खाना भी खाया है। वीडियो में विक्की हाथ में खुकरी लेकर डांस प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं, और उनके साथ सेना के अन्य जवान भी उनके साथ यहाँ पे युद्ध कौशल की झलक दिखाते हुए नजर आते हैं। उन्होंने गाना शेयर करते हुए कहा है, जय माँ काली आयो गोरखाली। रील्स पर शेयर करते हुए वीडियो में उन्होंने लिखा है, जब उन्होंने इस खुकरी को पकड़ा तो उन्हें गर्व महसूस हुआ। लखनऊ के आर्मी पब्लिक स्कूल में भी छात्रों ने कौशल का स्वागत किया, और उन्होंने देश की रक्षा के महत्वपूर्ण योगदान के लिए गोरखा सैनिकों की भी सहायता करी है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के पहले प्रमुख सेम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित इस फिल्म को काफी ज्यादा यहां पे लाइक्स मिल रहे हैं, काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इस शूटिंग के दौरान। फिल्म में विक्की ने यहाँ पे जो कारनामा करके दिखाया है वो भी अद्भुत है। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित ये फिल्म है जो कि 1 दिसंबर को रिलीज होनी है। मैं कहूँ कि इस फिल्म को कोई नहीं छोड़ने वाला, ये सुपर डुपर हिट होने वाली है, लेकिन ये गाना भी बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट होने वाला है।
कुकरी का नाम अब हर कोई बच्चा बच्चा जानेगा और वैसे भी जानता ही है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर फेमस करना अब हमारा दायित्व है। क्या आप भी यही मानते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, रखता है गुने अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।